चुटकियों में लिटरली ऐसे ऐसे करके बंदे ने मुझे मारा है। सोचो यार, वो इतना ताकतवर है तो इस गेम का सबसे बड़ा बॉस जेट ड्रैगन कितना ज्यादा ताकतवर है। अच्छा तो दोस्तों, मेरे पिछले ये वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया पालवाल के अंदर जो कि सबसे खतरनाक पोकेमॉन है जेट ड्रैगन, उसे कैसे पकड़ा था। इतना आसान अभी लग रहा है मेरे को ये बहुत ज़्यादा यार, कोशिश करते करते इस बार शायद हो जाए 50% भाई साहब हो गया यार। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पकड़ने जा रहा हूँ शैडो ब्रेक, जो कि भाई डिट्रेक्स भाई का सबसे खतरनाक पोकेमॉन है, वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है, उसे हम पकड़ेंगे। अगर दोस्तों उसे पकड़ लेते हैं तो हम लेजेंडरी जो हमारा जेट ड्रैगन पोकेमॉन है उसके साथ जो गाइस शैडो ब्रेक का बॉस है उसके साथ फाइट करा देंगे, गाइस भिड़ा देंगे दोनों को और देखेंगे कौन जीतता है। और दोस्तों, अगर मैं शैडो ब्रेक का बॉस जो है उसे हरा देता हूँ तब तो वह इसमें सीधा जाके डिट्रेक्स भाई को भी चैलेंज करूँगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पालवाल के प्रो प्लेयर है गाइस। तो यहाँ पे हम आ चुके शैडो ब्रेक के इलाके में, पहले इसे पकड़ लेते हैं गाइस, उसके बाद जो है हम देखते क्या सीन होता है। 41 लेवल का फेंगलो, इसे छोड़ देते हैं दोस्तों, इसे पकड़ने नहीं आए हैं हम, आए शैडो ब्रेक को पकड़ने, उससे पहले पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे दिख गया शैडो ब्रेक, तो इसे पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, नेक्रोमासिस के बारे में तो बताना ही भूल गया दोस्तों, अगर इसका भी वीडियो देखना है इसे कैसे मैंने पकड़े तो ज़रूर से कमेंट में मुझे बताना। ये भी गाइस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है 15 लेवल का, इसका भाई साहब क्या ही खतरनाक अटैक देख रहे हो गाइस। और दोस्तों, शैडो ब्रेक भी कम नहीं, देखो भाई साहब क्या ही अटैक दे दिया मेरे को, 16 दिन भाई साहब कितना डैमेज दे दिया। ऐसे ही नहीं है डिट्रेक्स भाई का फेवरेट पोकेमॉन, चलो दोस्तों इसे पकड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, 41 लेवल है इसका, लेवल पर मत जाओ दोस्तों, ये खतरनाक पोकेमॉन है। और इसका बॉस तो भाई इससे भी खतरनाक है, पहले पकड़ लेते हैं दोस्तों इसका, थोड़ा और ज़्यादा डैमेज मेरे को देने की ज़रूरत है। वैसे तो मेरे पास पाल स्पेयर, लेजेंडरी पाल स्पेयर था, देखना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम इसे डैमेज दे देते हैं थोड़ा सा, और नहीं तो पाल स्पेयर जो है मेरा वेस्ट हो जाएगा, और मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें इसके बॉस को भी हराना होगा जेट ड्रैगन से, शायद मैं उसे भी पकड़ लूँ। हो गया दोस्तों, लेजेंडरी स्पेयर से दे देते हैं, एक बार में हो जाएगा शायद से, 74% 88% हो गया दोस्तों। हमें मिल चुका है शैडो ब्रेक, जो कि है डिट्रेक्स भाई के खतरनाक पोकेमॉन है, इससे भी हम थोड़े टाइम बाद जो है इसका भी लेवल अप करेंगे। अब सीधा चलेंगे दोस्तों, हमारा शैडो ब्रेक का जो बॉस है उसके साथ चैलेंज लगा देंगे हमारा जेट ड्रैगन पोकेमॉन से। तो दोस्तों, आ चुके हम शैडो ब्रेक के बॉस के टावर के पास। ओ भाई साहब, मेरा हेल्थ क्यों जा रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, मेरे को ठंडी वाला जैकेट लेना है। हो चुके हैं गाइस, हम आ चुके हैं, सामने ही है, ये रहा दोस्तों शैडो ब्रेक का बॉस टावर। और दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जितने भी सारे टावर बॉसेस हैं उन सबसे खतरनाक पोकेमॉन। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि टावर वाले बॉसेस के जो हेल्थ है वो कितना ज़्यादा रहता है। क्या दोस्तों हम जेट ड्रैगन से इसे हरा सकेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। जेट ड्रैगन को भी हल्के में मत लो दोस्तों, क्योंकि ये भी लेजेंडरी पोकेमॉन है दोस्तों, और देखो भाई साहब क्या ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है। और दोस्तों, इसका अटैक भी हाईली इफेक्टिव है शैडो ब्रेक के अंदर, लेकिन भाई साहब क्या ही शैडो ब्रेक खतरनाक अटैक सुमन के, लेकिन दोस्तों हम भी कम नहीं, ये ले फायर, ओ भाई साहब जमा दिया हमें, अभी रुक जेट ड्रैगन बदला लेते हैं रहा। हाँ भाई साहब क्या ही डैमेज दे दिया, लेकिन उस शैडो ब्रेक का हेल्थ देखो तो भाई साहब इतना बड़ा लाइन ही, इसे कब मैं ख़त्म करूँ यार, कितना टाइम मिसाइल खा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। वो भाई साहब देखो हमारा जेट ड्रैगन को कितना फेल दिया भाई साहब, ले इसे लेते हैं। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, अंधेरा अंधेरा छा गया, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, ये शैडो भी बहुत ही खतरनाक है यार। वो भाई साहब जमा दे यार मेरे को, बदला ले लूनरिस, बदला लिया, उसे भी जमा दिया दोस्तों। भाई साहब हमारा ये पोकेमॉन भी आइस पोकेमॉन है, लेकिन ये ठीक नहीं पाएगा, ज़्यादा टाइम ये भी जम गया दोस्तों, बहुत ही आग वाले पोकेमॉन को छोड़ना पड़ेगा मेरे को, नॉक को छोड़ देते हैं। ओ भाई साहब देखो क्या ही खतरनाक अटैक दे रहा है ये भी, इसका भी अटैक कुछ अटैक जेट ड्रैगन से मिल जाता है दोस्तों। चलो इसके ऊपर फोकस करो भाई, इसे छोड़ना मत, उड़ा दो, भागना पड़ेगा मेरे को। चलो अबे यार, अबे रिलोड भी नहीं करना देता, इतना जल्दी क्या है मेरे को मारने में,
लेकिन हमारे पास भाई साहब एकदम लेजेंडरी शील्ड है जो कि गाइस इतना आसानी से टूटेगा नहीं और हमें डैमेज नहीं होगा। अगर दोस्तों मैं इसे हरा नहीं पाया तो ये भी नहीं हरा पाएगा, इतना हमारा स्ट्रॉन्ग शील्ड है दोस्तों। क्या ही बताऊँ, ये जो है गाइस नेक्स्ट लेवल एकदम खतरनाक शील्ड है। छोड़ना नहीं, इसे नेक्रोमांसी से मार देना, हम यहाँ पे हैं, हमें ये मार नहीं पाएगा। छोड़ना मत, उड़ा दो साले शैडो विक कहेगा, मर जा जल्दी जल्दी। यार ये क्या छोड़ रहा है, आइस वाला रुक जा, अभी जेट ड्रैगन को बुलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं नेक्रोमांसी से कुछ अटैक बाकी, इसका अटैक भी दे देते हैं इसके ऊपर बैठ के, इसको भूख लगी है नेक्रोमांसी। ओ भाई साहब देखो यार, मैं जो अटैक कर रहा हूँ उसका कॉपी करके मेरे को ही दे रहा है, खतरनाक वाला। रुक जा अभी इसके ऊपर चढ़ के मिसाइल छोड़ना पड़ेगा मेरे को। अब यार ये अटैक मैंने वेस्ट कर दिया, खा जा। देखो गाइस उड़ते उड़ते मिसाइल खाते खाते वो अटैक करता है। ये ले और एक मिसाइल खा, लेजर मिसाइल। भाई साहब देखो ये गोला क्या छोड़ रहा है, गोला देखो दोस्तों। भाई साहब शैडोविक का सिर्फ हमने 10% ही अभी तक जो है इसका एसपी कम किया है, अभी इतना बाकी है दोस्तों और 7 मिनट बाकी है सिर्फ। क्या दोस्तों हम 7 मिनट में इसे हरा पाएंगे, मेरे ख्याल से तो लग नहीं रहा यार। मेरे पोकेमॉन को खिला देते हैं कुछ। देखो गाइस जेट ड्रैगन का हेल्थ कितना कम हो गया भाई साहब। ये इसको मेरे को हराना है दोस्तों, इसे पकड़ना है मुझे, इस शैडो वेक पोकेमॉन को पकड़ना है दोस्तों। कि क्या करूँ जो पकड़ पाऊँ इसे, अभी भी 7 मिनट बाकी है तो शायद से हो जाएगा दोस्तों इसे हरा पाऊँ शायद से मैं, क्योंकि ये हमें हरा नहीं पाएगा। सिर्फ 6 मिनट बाकी है अभी। अब यार चलो, मुझे नेक्स्ट टाइम शायद अगर इस बार नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा सा गन, एक शॉट गन बनाना होगा, उसके साथ आ जाऊँगा। इसको छोड़ूंगा नहीं अगर इस बार नहीं हार पाया, लेकिन गाइस इतने जल्दी होप नहीं छोड़ने का, देखते हैं आखिर तक क्या सीन होता है। इसे हरा लेंगे शायद से दोस्तों, मैं भी आशा करता हूँ इसे हरा दूँ मैं। निक्रोमस को क्या हो गया, ये अटक गया है यहाँ पे, अटैक क्यों नहीं कर रहा है, शायद से दीवार की वजह से अटक गया था दोस्तों। चलो वहाँ से छूट गया, छोड़ना मत उसे निक्रोमस, मार दूँ उसे। चले अटैक का 400 का अटैक दे दिया भाई साहब, निक्रोमस भी खतरनाक है दोस्तों। लेकिन हमें कुछ और जेट ड्रैगन को बुलाना होगा फिर से। यार फेल थोड़ा कम है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे वो सोलर बीम वाला अटैक अगर दे देता है तो हमारा जेट ड्रैगन जो है इस काम से चला जाएगा। तो हम लूनारिस को बुला देते हैं, लूनारिस से ही कुछ अटैक कर देते हैं, उसके बाद जो है हम चेंज करेंगे हमारा पोकेमॉन, जेट ड्रैगन को बुलाएंगे फिर से और उसका जो मिसाइल मिसाइल लॉन्चर उससे अटैक करेंगे दोस्तों। वो वाला अटैक जो है काफ़ी ख़तरनाक है, जो शैडो वेक पे हाईली इफेक्टेड है दोस्तों। ये देखो ये इस अटैक को बुला लिया, इस अटैक से ही मेरे को बचना था यार, पहले मुझे समन करना चाहिए था इस पोकेमॉन को ताकि उसे डैमेज ना हो सके ना। लेकिन कोई ना दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम सीख गए कुछ। अब यार इसको भी डेंजर पे ला दिया, चलो जेट ड्रैगन को बुलाते हैं, 17 सेकेंड बाकी है। अब यार देखो दोस्तों ये यारा अटैक क्या ही करता है, 11 सेकेंड, उसके बाद जो है हम बाकी अटैक कर देते, उसके बाद इसका खैर नहीं। 3 सेकेंड 2 सेकेंड आ ही गया हमारा मिसाइल वाला अटैक, आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन 1 मिनट रेस, दूसरे साइड से चलते हैं, उसका हेल्थ थोड़ा कम हो चुके है, दूसरे पोकेमॉन से अटैक करते हैं थोड़ा। अबे यार ये मेरा क्यों नहीं रहा, जल्दी से मर जा यार, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी है, मैं हरा नहीं पाऊंगा शायद से। देखो अभी तक मैंने 15% भी जो है इसका हेल्थ खत्म कम नहीं हुआ यार, इस बार भी हरा नहीं पाएंगे। अगर भाई इसे हरा नहीं पाएंगे तो डेट्रक्स भाई को क्या हराएंगे दोस्तों। ये पोकेमॉन देखो यार, ये बॉस पोकेमॉन हमें कितना मार रहे हैं, इसे हम नहीं मार पा रहे। नेक्स्ट टाइम मुझे एक बड़ा सा गान जरूर से लाना है इसको हराने में, गैस मदद होगा फिर। ये क्रॉसबो से कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है दोस्तों। चलो इस पोकेमॉन से हम देख लेते हैं भाई अटैक कर, ये हवा वाला अटैक, ये भी कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा यार, पोकेमॉन के डैमेज कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरे को मिसाइल लॉन्चर भी लाना होगा नेक्स्ट टाइम, मिसाइल लॉन्चर बना के लेके आना होगा, बाद इसके खैर नहीं दोस्तों। तो भाई देखो कैसे डॉस किया है इस बार, बच गए। लेकिन गाइस 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट के अंदर मुझे इसे हराना है, नहीं तो गाइस ये
गया काम से, हम नहीं जीत पाएंगे। फिर भी दोस्तों देखते हैं लास्ट तक क्या सीन होता है। अगर ये 3 मिनट में कुछ हो जाए मिलेगा सा, हम इसे हरा दे दोस्तों। अभी तक जो दोस्तों इसका हेल्थ कम होने का नाम नहीं ले रहा यार, मेरे को डेट्रक्स भाई को बुलाना चाहिए था मेरे वर्ल्ड में। उसके बाद जो है दोनों मिलकर इसे बहुत ज़्यादा पेड़ दे रहे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो ना, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ दोस्तों इस पोकेमॉन को हराने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी और कौन से पोकेमॉन अपने टीम में लेना होगा। तो दोस्तों फाइनली जो है गाइस हमारा टाइम ख़त्म हो गया और टाइम आउट की वजह से हम हार गए। नेक्स्ट टाइम जो है गाइस हम ऐसे ऐसे गन वगैरह बना के ले आएंगे इसको हराने में दोस्तों। जो शील्ड वगैरह है वो ठीक है, लेकिन हमारे पास गन वगैरह की कमी थी, इसीलिए गाइस हम इसे हरा नहीं पाए इस बार। लेकिन गाइस नेक्स्ट बार देख लेंगे इसकी खैर नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आप लोग जेड ड्रैगन वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से इस वीडियो पे क्लिक करो दोस्तों, इन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और देख लो मैंने किस तरीके से पकड़ा है जेड ड्रैगन को।